हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर 12th, 9th स्टैंडर्ड। चैप्टर नेम है हमारा हेरोंज फॉर्मूला। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट ये। और ये जो हेरोंज फॉर्मूला है, हम किस लिए यूज करते हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने के लिए। अगर किसी ने ये पहले ये टॉपिक नहीं पढ़ रखा, उसके लिए भी ये इजी टॉपिक है। अगर आप शेप्स ऑफ फिगर्स जानते हो, जैसे शेप ऑफ द स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ठीक है, अगर आपको शेप्स के बारे में पता है, देन इजीली आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। ठीक है, हेरोंज फॉर्मूला। तो उसके लिए हमें क्या आना चाहिए? शेप्स के बारे में पता होना चाहिए, पेरीमीटर के बारे में और एरिया के बारे में। अगर आपको ये कंसेप्ट पता नहीं है, मैं फिर भी यहाँ से बेसिक से इसको लेके चल रही हूँ। शेप्स, पेरीमीटर एंड एरिया, यहाँ पे हम इसमें शेप्स का यूज करते हैं, पेरीमीटर, एरिया। ठीक है, शेप जैसे मैंने डिफरेंट शेप बनाई इसके अंदर स्क्वायर की, ये मैंने एक स्क्वायर ले लिया यहां पे, ठीक है, एक मैंने यहां पे रेक्टेंगल ले ली, फिर ले ली मैंने यहां पे ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल इस टाइप से भी हो सकती है और हमारी राइट एंगल ट्रायंगल भी हो सकती है। ये क्या है? हमारी डिफरेंट शेप है। तो इसके अंदर देखेंगे स्टूडेंट की पेरीमीटर वर्ड, ये जो पेरीमीटर है ये क्या होता है, एरिया क्या होता है इसके अंदर। ठीक है, तो यहां से पेरीमीटर कौन सा होगा? ये वाली जो बाउंड्री है, ये वाली जो बाउंड्री दिख रही है स्टूडेंट आपको, इस बाउंड्री को हम कवर करेंगे और इनको हम ऐड करते चलेंगे, देन हमारा क्या आ जाएगा वहां से? पेरीमीटर। मींस ये जितनी भी जिस भी टाइप की फिगर है उसकी बाउंड्री को हम कवर करेंगे, उनका सम करेंगे तो किसके इक्वल आता है? ये पेरीमीटर के। ठीक है, और ये इसके जो अंदर दिख रहा है ये वाला जो पोर्शन है, ये किसको डिनोट कर रहा है? इसके एरिया को। किसको डिनोट कर रहा है ये? इसका क्या है? एरिया। और ये जो पेरीमीटर क्या होगा? इसकी बाउंड्री पे जो भी साइड्स है इनकी बाउंड्री, इनका हम एडिशन कर देंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाती है? पेरीमीटर की। तो मान लेते हैं ये है हमारी 5, ये साइड भी 5 सेंटीमीटर, ये भी क्या है? 2 सेंटीमीटर, ये भी क्या है? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ इसका पेरीमीटर क्या होगा? हम इनको ऐड कर देंगे 5 + 5, ठीक है, 2 + 2, कितना आ गया ये? 14 सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया? इसका पेरीमीटर। अगर मैं इसका फॉर्मूला देखूं, पेरीमीटर यानी कि पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल किसके इक्वल होता है? फॉर्मूला होता है इसका 2 × l + b, ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है। हेयर l इज द लेंथ एंड b इज द ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है? 5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ कितनी है? 2 सेंटीमीटर। तो यहां पे पुट करेंगे p इक्वल टू 2 × 5 + 2, 2 × 7 दैट इज कितना आ गया ये? 14 सेंटीमीटर। फॉर्मूले से भी 14 सेंटीमीटर और वैसे मैंने डायरेक्ट इसको फाइंड आउट किया है, दैट इज 14 सेंटीमीटर। तो इसको हम बिना फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? इन चारों साइड्स का मैं सम कर दूं, यही क्या होता है? पेरीमीटर। तो इसमें क्या हो जाएगा? पी हमारा 5 + 2 + 5, 5 + 2 + 5 + 2। तो यहां से ये क्या है हमारी लेंथ, यानी कि इसको हम 2l लिख सकते हैं। ये क्या है हमारी? 2b। देन फॉर्मूला बन गया 2 × l + b। ये किसका फॉर्मूला बन गया? हमारा पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है स्टूडेंट, तो ये पेरीमीटर में क्या होता है? जो इसकी बाउंड्री होती है उनका हम सभी का क्या कर देते हैं? सम कर देते हैं। ठीक है, साइड्स का। तो ये इसका क्या आ जाता है? पेरीमीटर। एंड एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर क्या होता है? लेंथ इंटू में ब्रेड्थ। इसका एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू में ब्रेड्थ, दैट इज 5 × 2, कितना आ जाएगा यहां से ये? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये कंसेप्ट था हमारा पेरीमीटर एंड एरिया का। इसमें क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर है, मान लेते हैं इसकी साइड 10 है, इसकी भी 10 है, इसकी भी 10 है, इसकी भी 10 है, देन पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 10 + 10 + 10 + 10, दैट इज 40। ठीक है, और हमारे पास पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, वो होता है P = 4a। क्या होता है फॉर्मूला? P = 4a। a इज द साइड ऑफ स्क्वायर, ए क्या होता है? साइड ऑफ स्क्वायर। देन एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड का स्क्वायर। यहां पे एरिया क्या हो जाएगा इसका?
साइड का स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर। अब आता है ट्रायंगल। ट्रायंगल आपको पता है स्टूडेंट, ट्रायंगल का एरिया हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, देन उसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल का। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल यहां से हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है ए इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू में हाइट। फॉर्मूला क्या है हमारा, व्हेन ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल, यहां पे ये राइट एंगल है, ठीक है, 90 का एंगल है, सो फॉर्मूला ऑफ एरिया इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बट इन केस ऑफ व्हेन ट्रायंगल इज नॉट गिवन राइट एंगल, अगर हमारी ट्रायंगल राइट एंगल नहीं है, देन हम क्या यूज करते हैं, हिरोंस फॉर्मूला। क्या यूज करते हैं हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने के लिए, अगर ट्रायंगल राइट एंगल नहीं है, देन वी विल यूज हीरोंस फॉर्मूला टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल। तो यहां से देखते हैं स्टूडेंट, ये तो हमारा कॉमन सा पोर्शन हुआ, ठीक है, मेन कंसेप्ट क्या है हमारा, हीरोंस फॉर्मूला। ये होता क्या है, ये एक्चुअली ये बताओ क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल में ही, ये राइट एंगल ट्रायंगल में भी ये यूज हो सकता है या नहीं? हो सकता है राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए भी, और वैसे जो ट्रायंगल राइट एंगल नहीं है उनका भी एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल में इसकी कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड हो जाती है, तो इसलिए हम राइट एंगल में डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वही यूज करेंगे। ठीक है, और सिंपल ट्रायंगल के लिए हम देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, ये होता है ए इक्वल टू रूट के अंदर एस, एस माइनस में ए, एस माइनस में बी, एस माइनस में सी। ये मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा है स्टूडेंट, हीरोंस फॉर्मूला, दैट इज हीरोंस फॉर्मूला। ठीक है, तो ये हम कब यूज करेंगे, व्हेन ट्रायंगल इज नॉट राइट एंगल। यहां से ये जो S से ये क्या होता है हमारा, S, S इज सेमी पेरीमीटर, क्या होता है, S इज सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। एंड ABC क्या है इसके अंदर, ABC आर द साइड्स ऑफ द गिवन ट्रायंगल। एक ट्रायंगल मान लेते हैं, मैंने यहां पे ट्रायंगल ले ली इसकी ABC, ठीक है, ये साइड मैंने A, B, C, सो साइड्स ये इसकी क्या हो जाएगी, एबीसी लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, यहां पे लिख सकते हैं हम एबीसी आर लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, ये तो हमें तीनों गिवन मिलेंगी, या दो साइड्स देके पेरीमीटर देके ये क्या पूछ लेगा, उसका एरिया। तो ये सेमी पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, सेमी मीन्स हाफ, जो हमें पेरीमीटर गिवन होता है, पेरीमीटर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में, सॉरी ए प्लस बी प्लस में सी, पेरीमीटर सभी साइड्स का क्या होता है, सम होता है। नाउ सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पी अपॉन में टू, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में टू। तो यहाँ पे लिखेंगे हम सेमी पेरीमीटर फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, ए प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में टू। ठीक है, आप इसको ये भी लिख सकते हो S इक्वल टू ये P अपॉन में टू, क्योंकि पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड्स का सम, A प्लस बी प्लस में C, तो आप ये भी लिख सकते हो P अपॉन में टू। अगर किसी क्वेश्चन में आपको पेरीमीटर गिवन हो, टू साइड्स गिवन हो, देन उसका एरिया पूछा जाए हमसे, देन आप क्या करोगे उसके, क्योंकि हीरोंस फॉर्मूले में तो हमारे पास सेमी पेरीमीटर चाहिए, देन सेमी पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करेंगे, डायरेक्ट पेरीमीटर का हम हाफ कर देंगे, तो वो क्या आ जाएगा हमारा, सेमी पेरीमीटर एस की वैल्यू, फिर तीनों साइड्स को एस में से माइनस कर देंगे और इनकी प्रोडक्ट कर देंगे, और ऊपर क्या लेना है, स्क्वायर रूट, दैट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग हीरोंस फॉर्मूला। ठीक है, और आपको पता है स्टूडेंट एरिया की यूनिट क्या होती है, या तो मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आपको एरिया की यूनिट साथ में रखनी है, अगर आपका क्वेश्चन ठीक है, आंसर ठीक है,
अगर लास्ट में आपने यूनिट नहीं लगाई देन एग्जामिनर एक मार्क्स वहां पे काट सकता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, जहां भी एरिया है या लेंथ को हम सेंटीमीटर या मीटर में मेजर करते हैं, देन एरिया की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वेयर या मीटर स्क्वेयर। तो लास्ट में आपको ध्यान रखना है, एरिया आने के बाद आपको या तो उसमें सेंटीमीटर स्क्वेयर लगाना है या मीटर स्क्वेयर लगाना है। तो ये था हमारा फॉर्मूला, एरिया ऑफ द ट्रायंगल व्हेन नॉट गिवन द ट्रायंगल इज राइट एंगल, यूजिंग हीरोंस फॉर्मूला वी विल फाइंड द एरिया। एरिया हम किसे फाइंड आउट करेंगे, यूजिंग हीरोंस फॉर्मूला, a इक्वल टू s s माइनस a s माइनस b s माइनस में c। एक एग्जांपल लेते हैं इसी से रिलेटेड, जिसकी साइड्स हमें गिवन है 5, 7 और 8। मैं मान लेती हूं एक ट्रायंगल यहां पे जिसकी साइड्स गिवन है 5, 7 और 8। ABC मैंने एक ट्रायंगल ले ली स्टूडेंट, ठीक है, इसकी ये तीनों साइड्स हमें गिवन है 5, 7 और 8। नाउ इसका पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, सेमी पेरीमीटर, ठीक है, क्योंकि एरिया के लिए हमें क्या चाहिए, सेमी पेरीमीटर। नाउ यहां से देखते हैं पेरीमीटर क्या होगा, 5 + 7 + 8, सेमी पेरीमीटर P/2, 5 + 7 + 8/2, कितना आ जाएगा ये 20/2, दैट इज 10। वैल्यू ऑफ सेमी पेरीमीटर इज 10 cm। नाउ एरिया फाइंड आउट करेंगे, एरिया लिखेंगे स्क्वेयर रूट के अंदर s, यहाँ पे s लिखना है, दैट इज 10 cm। फिर 10 माइनस में a, a b c थ्री साइड्स है, तो a को मैंने 5 कह दिया, b को 7 कह दिया, c को क्या कह दिया 8। 5 cm, 7 cm, 8 cm आर द साइड्स ऑफ द गिवन ट्रायंगल। देन s माइनस a करेंगे तो 10 माइनस में 5, फिर 10 माइनस में b करेंगे दैट इज 7, 10 माइनस में c करेंगे दैट इज 8। नाउ एरिया यहाँ से किसके इक्वल आ गया स्टूडेंट, 10 इंटू में ये कितना आ गया 5, ये कितना आ गया 3 और ये कितना आ गया 2। नाउ 10 के फैक्टर कर सकते हैं, हमें जो स्क्वेयर रूट के अंदर, ये तो हमारी छोटी टर्म है स्टूडेंट, बड़ी वाले टर्म भी इसके अंदर आएंगे, तो उसमें हमें क्या करना होगा, टर्म्स का हम फैक्टर कर लेंगे, ठीक है, उसका छोटा सा छोटा फैक्टर करेंगे, फैक्टर बन रहा है तो, अदरवाइज अगर उसका रूट नहीं बन रहा तो उसको हम रूट में छोड़ सकते हैं। तो यहां से देखो इसका रूट क्या बन रहा है, 10 को क्या लिख सकती हूँ मैं, 5 × 2, 5 आगे भी है, ठीक है, 3 × 2, अब 5 टू टाइम्स है, 1 टाइम्स 12 आ जाएगा स्क्वेयर रूट से, 2 भी 2 टाइम्स है, 1 टाइम्स 12 आ गया, अंदर क्या रह गया यहाँ पे 3 रूट के अंदर। नाउ आंसर इज 10√3, एरिया क्या आ गया 10√3 cm². हमारा एरिया क्या आ गया गिवन ट्रायंगल का, जिसकी साइड्स 5, 7, 8 थी, तो उसमें हमारा एरिया आ गया यहाँ से 10√3 cm². जिस भी टर्म का इसमें पेयर नहीं बन रहा उसको हम रूट में छोड़ सकते हैं, लेकिन जिसमें हम इसके फैक्टर करने के बाद पेयर बन रहे हैं तो वो बाहर आ जाएगा रूट से, यानी कि 2 पेयर बन रहे थे 5 के तो 5 बाहर आ गया, ऐसे ही 2 के 2 पेयर बन रहे थे तो 2 बाहर आ गया, 2 जा 4 हो गया, 4 का स्क्वेयर रूट क्या होता है 2, ऐसे ही 5 जा 25 हो गया, 25 का रूट क्या हो गया 5, तो इसको हम ऐसे बाहर ले सकते हैं। तो ये था हमारा हीरोंस फॉर्मूला और उस पे बेस्ड क्या था, ये एक हमारा एग्जाम्पल। स्टूडेंट हमारा नेट रिजल्ट यहाँ से क्या निकल के आता है, हमें क्या यूज करना है, यहाँ पे देखो अगर ट्रायंगल हमारे पास क्या गिवन नहीं हो, राइट एंगल या राइट एंगल गिवन हो, टू ही मेथड होंगे, ठीक है, तो यहां से देखते हैं अगर राइट एंगल ट्रायंगल हमें गिवन है, राइट एंगल ट्रायंगल अगर हमें गिवन है देन हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल का 1/2 × base × height। आप इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में हीरोंस फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, लेकिन उसमें ये जो हमारा स्क्वेयर रूट होता है थोड़ा सा इसमें लेंथी हो जाता है, ठीक है, तो डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला है देन वी विल यूज एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 × base × height। बहुत ही सिंपल है ये फॉर्मूला, ठीक है, अगर हमें यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल गिवन नहीं हो, नॉट गिवन राइट एंगल ट्रायंगल, देन इस केस में हम क्या यूज करेंगे स्टूडेंट, हीरोंस फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम, हीरोंस फॉर्मूला, ठीक है, और ये फॉर्मूला होता है हमारे पास a इक्वल टू रूट के अंदर s, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस में c, ठीक है,
ये है हमारा हिरंज फॉर्मूला, एस इज सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर है हमारा एस। एस किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में टू। कैसे फाइंड आउट करते हैं हम सेमी पेरीमीटर किसी भी ट्रायंगल का, ए प्लस बी प्लस सी तीनों साइड का सम डिवाइड बाई टू। ओके स्टूडेंट, ये था हमारा बेसिक कंसेप्ट ऑफ द हिरंज फॉर्मूला, ठीक है। इंट्रोडक्शन पार्ट था ये हमारा 12th चैप्टर का। टू ही एक्सरसाइज है हमारी एनसीईआरटी बुक में, बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है स्टूडेंट। ये साथ साथ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे 12.1 एक्सरसाइज फ्रॉम दी एनसीईआरटी बुक। आई होप आपको ये जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी आपको कहीं डाउट है किसी भी स्टेप में, किसी भी फिगर में, किसी भी फॉर्मूले में, ठीक है, तो आप इजिली कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं स्टूडेंट, हमने इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा है। फर्स्ट क्या देखा था हमने, शेप्स देखी थी अलग अलग फिगर की, जैसे मैंने स्क्वायर की शेप देखी, देन रेक्टेंगल ट्रायंगल की, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल की। तो उसमें हम क्या करते हैं, जो पेरीमीटर होता है पी, ठीक है, पेरीमीटर का क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें सेमी पेरीमीटर की वैल्यू चाहिए इन द फॉर्मूला हिरंज, ठीक है। तो सेमी पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर अपॉन में टू। तो पहले कंसेप्ट किसका समझना होगा हमें, पेरीमीटर का। तो पेरीमीटर क्या होता है स्टूडेंट, जो भी हमें, देखो अगर मैंने ये फिगर ले ली, तो इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर। तो हमें कौन कौन सी लेंथ इंक्लूड करनी होगी, ये सारी साइड्स, हम इनका जो डिस्टेंस है वो, हम इसकी जो लेंथ है वो क्या कर देंगे, एड, दैट इज द पेरीमीटर, ठीक है। एंड एरिया क्या होगा, उसके अंदर जितना भी यहाँ पे ये जो दिख रहा है, ठीक है, ये जो दिख रहा है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया को। ये अलग अलग फिगर के लिए अलग अलग फॉर्मूला है हमारे पास, जैसे एरिया ऑफ स्क्वायर इज ए स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4a, 4 इंटू में साइड्स। ऐसे ही एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है व्हेन द ट्रायंगल इज गिवन टू राइट एंगल ट्रायंगल, एरिया इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन अगर हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल गिवन नहीं है, देन ओनली ऑप्शन बचता है हमारे पास, हम क्या यूज करेंगे वहां पे, हिरंज फॉर्मूला, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने के लिए। इसके बाद हमने देखा था इसके अंदर हिरंज फॉर्मूला में एस फॉर सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है पेरीमीटर अपॉन में टू, दैट इज पेरीमीटर होता है तीनों साइड्स का सम, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में टू। डायरेक्ट उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे, ए बी सी क्या है, लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। ओके स्टूडेंट, ये था हमारा बेसिक कंसेप्ट, आई होप आपको ये क्लियर है अच्छे से। थैंक्स एवरीवन।